जो आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन की बात, चलो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा बाद में करते हैं, एक ऐसे छोटा जनरल डिस्कशन करते हैं आपसे कि सर रिलेटिव का मतलब क्या है। देखो रिलेटिव जो है ना एक बहुत जनरल टर्म है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। देखो अक्सर होता क्या है ना, मैं जनरली कभी भी किसी नीट वाले बच्चे से पूछता हूँ ना कि बच्चों बताओ तुम्हारा सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने अक्सर पाया है कि कोई भी फिजिक्स नहीं बोलता, कोई भी ये नहीं बोलता कि सर फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब मैंने बोलता हूँ क्यों फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों नहीं है, तो बोलते हैं सर फिजिक्स में मैथ आती है और हमने मैथ कम पढ़ी है। अब देखो यार ये डाउट अपने मन से निकाल दो, पहली बात तो कि फिजिक्स का मतलब मैथमेटिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर फिजिक्स मैथमेटिक्स होती तो हम अलग अलग मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्यों पढ़ रहे होते। हाँ, मैथमेटिक्स इज जस्ट अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस द इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स। यार आप फिजिक्स में जो भी पढ़ने वाले हो ना उसको एक्सप्रेस करने की एक भाषा है मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं। जिस दिन आप ये समझ गए कि फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं होती उस दिन आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहला मन तो ये निकालो कि कोई बहुत खतरनाक चीज पढ़ रहे हो, नहीं, आपके आसपास जो भी हो रहा है आप उस बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है सर, समझ गए। रिलेटिव मोशन की बात क्या करते हैं, अगर ये जो शब्द आता है ना रिलेटिव, ये बहुत एक जनरल टर्म है। ये क्या है? एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब क्या है कि इसका फिजिक्स से कोई ऐसा ऐसा कोई नहीं कि फिजिक्स में पढ़ रहे हो, ये जो टर्म है ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, दो टर्म मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं, एक हो गई एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, और एक हो गई आपकी रिलेटिव टर्म। क्या फर्क होता है इन दोनों में? देखो रिलेटिव का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल सी बात समझाऊं रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है आपका कंपैरिजन। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा ना तब जो वहां पर शब्द इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? रिलेटिव। इसको कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, शब्द सुना होगा ना अपने विद रिस्पेक्ट टू, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं WRT। ये क्या होता है? इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू, मतलब किसी से कंपैरिजन में। ठीक है, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो ये जो दोनों टर्म मैं आपको बता रहा हूं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, कोई नई भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स का कोई इससे लेना देना नहीं है, ये जनरल टर्म्स है। रिलेटिव का मतलब जब हम दो बॉडीज में कंपैरिजन की बात करेंगे, और आपका और एब्सोल्यूट का मतलब जब हम किसी एक बॉडी के बारे में बात करेंगे लेकिन उसको एब्सोल्यूट, उसकी एक्चुअल चीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले ये आपके समझ में आना चाहिए रिलेटिव क्या हो गया, एब्सोल्यूट क्या हो गया। अब सुनो, अब हम फिजिक्स में एंटर करते हैं। चलो देखो फिजिक्स ना इतने आराम से पढ़ेंगे ना, मेरी गारंटी, अगर आपने रिलेटिव मोशन पढ़ी, पहली बात तो हम रिलेटिव मोशन पढ़ क्यों रहे हैं? देखो बहुत बच्चों को ना ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है, पहली बात तो काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका एक पार्ट रिलेटिव मोशन होता है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होते हैं, बहुत बच्चों को डाउट होते हैं, और इतनी गारंटी है कि यहां से सवाल भी आएगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, IIT मेंस हो, एडवांस हो, बिट्स हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसका फायदा पता है क्या है? जिन क्वेश्चनों को करने में शायद आपके 2 से 3 मिनट वेस्ट होते हैं ना, मैं ये बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम में, और कभी कभी तो सेकंडों के टाइम में आप खत्म कर पाओगे, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि इन सवालों को आप बड़े मेथड से भी कर सकते हो, जो भी हम सवाल आगे करेंगे, लेकिन रिलेटिव मोशन एक छोटा तरीका है उनको करने का, और टर्म तो है ही ऑब्वियसली, तो आपको सवाल तो पूछते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव मोशन के बारे में बात करें तो पहले एक जनरल सेंस पूछते हैं। जनरल सेंस से मेरा मतलब कि मान लीजिए आपके पास में दो लड़के हैं, ठीक है, आपके पास में दो लड़के हैं। देखो सिंपल स्टार्ट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास में दो लड़के हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या है? अमन है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? आपका विशाल है। ओके, इसका नाम है अमन, इसका नाम विशाल, सिर्फ एग्जांपल के लिए। ठीक है, और ये आपके दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी हाइट है कुछ 2 मीटर, मान लीजिए, एक ऐसे ही मैं जनरल डेटा ले रहा हूँ, 2 मीटर हाइट है, और इसकी हाइट मान लीजिए आप कि इसकी हाइट सर 1.5 मीटर है। ठीक है, और यहां पर मैंने ग्राउंड पे क्या किया, एक चींटी को रख दिया ग्राउंड पे, क्या कर दिया चींटी को। देखो आसानी से पढ़ना, फालतू के जो टर्म्स आप अलग अलग जगह पढ़ते हो, सीधे मैं रिलेटिव मोशन में घुस जाऊंगा उसको फायदा नहीं है। यहां से जो चीज समझ में आ गई ना, इसके बाद मेरी गारंटी रिलेटिव मोशन में आपका एक सवाल गलत नहीं होगा, और इस टॉपिक के बारे में आपको कभी इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो सुनिए, तो मान लीजिए ये अमन है, ये विशाल है, ये आपकी क्या है? चींटी। एक चींटी मतलब छोटी सी चीज है, ग्राउंड, मैं ग्राउंड बोलता हूँ कि ग्राउंड पर रखी हुई कोई चीज है। ठीक है, जब चींटी आपकी विशाल को देखती है तो चींटी के लिए विशाल की हाइट क्या होगी? सर चींटी के लिए विशाल की हाइट होगी, मैं अगर बात करूं विशाल, तो चींटी के लिए क्या होगी? वो 1.5 मीटर होगी। क्या ये एक्चुअल हाइट है? हाँ सर, ये एक्चुअल हाइट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आपका एब्सोल्यूट हाइट बोल दूंगा।
किसकी, विशाल की। सिमिलरली मैं इस चींटी के लिए अमन की हाइट अगर बोलना चाहता हूँ तो वो क्या बोलेगा सर, चींटी के लिए अमन की हाइट क्या होगी, 2 मीटर, और वो भी क्या होगी, हाँ सर ये अमन की एक्चुअल हाइट है या एब्सोल्यूट हाइट है ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आती है अमन और विशाल के आपस में बात, अब यहाँ पे आपका रिलेटिव टर्म शुरू होगा। अगर अमन और विशाल के बारे में मुझे बात करनी है तो ये बात समझो कि अमन, जब विशाल अमन को देखेगा तो विशाल की आंखें तो यहां पर है, जब विशाल अमन को देखेगा तो अमन उसको सिर्फ इतना पार्ट दिखाई देगा, नीचे नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर देखना है ना, हाइट देखना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको क्या देखेगा, सर अमन मेरे से आपका 0.5 मीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या कि हाइट ऑफ अमन विद रिस्पेक्ट टू विशाल वो कितनी दिख रही है उसको, 0.5 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ अमन विद रिस्पेक्ट टू विशाल क्या है, 0.5 मीटर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, इस बार अमन देखेगा, जब अमन देखता है विशाल को तो अमन क्या बोलेगा, सर मेरी हाइट से वो नीचे की तरफ है, मेरी हाइट से वो नीचे की तरफ है। तो यानी विशाल की हाइट विद रिस्पेक्ट टू अमन उसको दिखेगी, सर वो है तो 0.5 लेकिन कम है, और कम को हम नेगेटिव मानते हैं कि नहीं मानते, तो ये आपका केस है। बस ये जो चीज मैंने लिखी है ना बच्चों, ये रिलेटिव है। अभी किसके रिलेटिव है, ये विशाल के रिलेटिव में है, ये भी रिलेटिव है, लेकिन ये किसके रिलेटिव में है, ये आपके अमन के रिलेटिव में। ठीक है, और ये क्या है, एब्सोल्यूट डेटा। तो यहां पर जो आप ग्राउंड से हम डेटा लेते हैं हमेशा बच्चों, जो भी हम ग्राउंड से, क्या चीटी ग्राउंड पर बैठी थी, यानी ग्राउंड के हिसाब से जो भी डेटा ग्राउंड के हिसाब से लिया जाता है वो एब्सोल्यूट डेटा होता है, और जो भी डेटा आपका विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज लिया जाता है उसको हम रिलेटिव डेटा बोलते हैं। ये हो जाएगा रिलेटिव किसके, रिलेटिव टू विशाल, और ये हो जाएगा रिलेटिव टू अमन। बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं बताया मैंने इसमें, कोई ऐसी टॉप चीज तो मैंने इसमें बताई नहीं कि मैंने सर आपने क्या बता दिया, नई चीज बता दी, कुछ नहीं बताया। अब यही चीज ना, यही चीज मैं क्या करूंगा, इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा मैं आपके रिलेटिव मोशन में। अच्छा इसको देखो, क्या मैं अगर लिखना चाहूं हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, अब मैं हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, अगर कल को आप ऐसे देख रहे हो ना, इसका मतलब समझ जाना, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, ये सारी चीजें वापस आएंगी, हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर मैंने किया क्या, मैंने हाइट ऑफ अमन ली, मैंने हाइट ऑफ विशाल माइनस कर दी, तो मुझे क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया, क्या यही किया, हाइट ऑफ अमन कितनी है 2, ये कितना है आपका 1.5, तो 2 माइनस 1.5 क्या आंसर हो जाएगा आपका 0.5 आंसर हो जाएगा। तो क्या यही आंसर आपका यहां पर निकल के आ रहा था। जब यही चीज मैं आपके करना चाहता हूं एच वी ए के लिए, मान लीजिए एच वी ए के लिए, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ विशाल यानी हाइट ऑफ वी रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो गया बहुत सिंपल चीज। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब एच वी को एच वी माइनस एच ए, एच वी की वैल्यू क्या है बच्चों, एच वी की वैल्यू है 1.5, इसकी वैल्यू क्या है 2, यानी 1.5 माइनस 2 यानी माइनस 0.5 मीटर। क्या यही निकल के आ रहा था, साइन के साथ सही निकल के आ रहा था। इसका मतलब कि मैं इस तरह से रिलेटिव मोशन का मतलब, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पहले वाले का डेटा माइनस दूसरे वाले का डेटा, पहले वाले की हाइट माइनस दूसरे वाले की हाइट, बस आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिलेटिव डेटा मिल जाएगा। ठीक है, यहां तो मैंने बहुत ही जनरल टर्म में आपको बता दिया हाइट के टर्म्स में, अब इसी चीज को अगर मैं फिजिक्स में इंक्लूड करना चाहूं, और फिजिक्स में क्या आता है बच्चों, आपका मोशन, तो अगर मैं मोशन से इसको इंक्लूड करना चाहूं तो अब चीजें क्या हो जाएंगी, हाइट की जगह कुछ और आ जाएगा, बस कोई नई चीज नहीं है, कोई मैंने आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ाई, आपने जो चीज पढ़ी है उसी को हमने क्या कर दिया, बस नए नाम के साथ इस्तेमाल कर दिया, और सेम चीज करेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, रिलेटिव मोशन की, ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है, समझ में आए तो प्लीज अगर कोई डाउट हो तो प्लीज अपना साथ में डाउट बताते चले। ठीक है, देखिए रिलेटिव मोशन बड़े आराम से बड़े प्यार से कवर करेंगे हम, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी आज की बात में। अब जब भी बात होती है मोशन की, फिजिक्स में जब भी मोशन की बात होती है तो तीन टर्म आपको वहां पे निकालनी होती है, कितनी टर्म निकालनी होती है, तीन टर्म, क्या क्या होती है वो, जो चैप्टर जो काइनामेटिक्स की स्टार्टिंग में आप पढ़ते थे, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका, अगर मैं काइनामेटिक्स के हिसाब से बात करूं, तीन, जब भी आप मोशन की बात करोगे ना बच्चों फिजिक्स में, फिजिक्स में जब भी आप मोशन की बात करते हो तो वहां पे तीन चीज आपको पढ़नी होती है, क्या कि बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बॉडी की कितनी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या आता है, वेलोसिटी आता है, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, एस से कर दिया, ठीक है, एस वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इतना तो सब बच्चों को पता ही होगा, ठीक है, और वेलोसिटी के बारे में लिखना चाहूं तो ये वी वेक्टर हो गया,
तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या होता है बच्चों मोशन के बारे में, जब भी पढ़ाई करते हो आप, एक्सीलरेशन। क्या होता है बच्चों आपका? एक्सीलरेशन। तो मोशन में आपको सिर्फ तीन चीज पढ़नी है, मतलब अब जो हम रिलेटिव मोशन पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, उसमें सिर्फ ये तीन चीज आएंगी, इसके अलावा कोई नहीं चीज आएगी। देखो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक चैप्टर कुछ भी पढ़ना है ना, पहले ये समझ जाओ कि उसमें आप पढ़ने क्या वाले हो। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको मुझे पढ़ना क्या है उसमें, उसके बाद आप उसमें इजीली पढ़ पाओगे, ठीक है? क्योंकि हर पॉइंट को अलग अलग पढ़ना होगा। अब सुनिए, तो रिलेटिव मोशन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, रिलेटिव रिलेटिव का मतलब क्या बताया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। तो क्या उसी तरह मैं यहां पर अगर मैं लिखता हूं एस ए बी, बच्चों एस ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या इसका मतलब ए रिलेटिव टू बी, एक ही बात है, ठीक है? ये हो गया। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख पाऊंगा? क्या लिखा था मैंने आपके हाइट के टर्म में, फर्स्ट वाले की हाइट माइनस सेकंड वाले की हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एस ए बी इज इक्वल टू, देखो कुछ किताबें ना इसको एस ए बी को कभी कभी ऐसे भी लिखती हैं इस तरह से, तो ये दोनों चीज सेम है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है, उस हिसाब से दोनों एक ही बातें हैं। कोई इस तरह लिखना चाहता है, कोई इस तरह लिखना, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक है? तो देखो एस ए बी, एस ए बी क्या हो जाएगा, एस ए बी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट माइनस सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है? चलिए अगर मैं एक काम करूं, मैं देखो बता भली मैं आपको रहा हूं प्रूव करके यहां से कि देखो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब आपका डी एस ए बी बाय डी टी इज इक्वल टू डी एस ए बाय डी टी प्लस, सॉरी माइनस है ना यहां पे, डी एस बी बाय डी टी, राइट? अब डी एस बाय डी टी क्या होता है, सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है आपकी बच्चों, डी एस बाय डी टी होती है, ठीक है? क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के साइन के साथ में रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। भले ही मैं आपको डिफरेंशिएट करके ये वाली बात बता रहा हूं, लेकिन मुझे डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है? तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अच्छा ये क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, किसके टर्म्स में, वी ए माइनस वी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यानी वी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है? तीसरी चीज क्या करूंगा, मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा इस पार्ट को। अब मैं जानता हूं एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है आपका डी वी बाय डी टी। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाओगे, डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये ए बन जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बन जाएगा। यानी क्या जो तीसरा टर्म निकल के आएगा, किसका, रिलेटिव एक्सेलरेशन का, क्या वो बहुत सिंपल सा टर्म क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ए ए बी इज इक्वल टू ए ए माइनस ए बी, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एक्सेलरेशन है किसका, ए का, जब हम बी से देखते हैं। तो ये बहुत छोटी मोटी चीज, तीन चीज पढ़नी थी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज हमने यहां पे पढ़ रहे, ठीक है? ये वाली बात भी आपकी समझ में आ गई। अब पता है एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है आपकी, कि अगर कल को सवाल ए विद रिस्पेक्ट टू बी ना होके बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाए तो क्या चेंज आएगा या क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अब मैंने क्या बोला कि सर आप ना हर जगह ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हो, ठीक है? मान लो कभी, अच्छा किसी ने अगर लिखा ना हो तो कृपया करके वीडियो को पॉज करके वो लिख सकते हैं। देखो ऑनलाइन ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये बहुत बड़ा फायदा है, क्या कि आप जब पढ़ रहे हो तब तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मान लो बाद में आपको कभी डाउट आता है, ऐसा लगता है कि वो टॉपिक मेरा उस टाइम स्किप हो गया या कुछ नोट्स में नहीं लिख पाया, तो आप वापस से देख सकते हो। तो इससे अच्छा फायदा क्या होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ठीक है? तो देखिए उसका यूज करना है, ठीक है, मिस यूज नहीं करना है ऑनलाइन का। तो देखिए मैंने क्या कहा कि सर आप हमेशा ना ए बी निकाल रहे हो, मान लो बी ए निकालना हो तो नोट में लिखते हैं। मान लीजिए मैं वी की बात करता हूं, अगर मैंने वी ए बी निकाला तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, वी ए माइनस वी बी है, ठीक है? एक काम करता हूं मैं इसको लगा, माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये तो समझ में आता होगा क्या? अब इस अंदर वाली चीज को देखो, क्या मैं इसको वी बी ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस
वी बी ए, मतलब कल को आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखते हो और उल्टा करके बी विद रिस्पेक्ट टू देखते हो तो क्या फर्क होगा, दोनों का माइनस लग जाएगा और कुछ नहीं। अब इसका मतलब क्या है, अगर फिजिक्स में इसका मतलब क्या है, फिजिक्स में माइनस का मतलब होता है कि आपकी अपोजिट डायरेक्शन है। अगर फिजिक्स में कहीं भी माइनस आ जाए ना कहीं भी, तो उसका मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि डायरेक्शन क्या होगी आपकी, अपोजिट होगी, राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या होंगे दोनों के, इक्वल होंगे। इसका सिंपल सा मतलब कि वी ए बी का मॉड इज इक्वल टू वी बी ए, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो आई होप कि ये छोटी मोटी मैथमेटिक्स है जो आपको समझ में आई हो। लेकिन बच्चों फिजिक्स मैथमेटिक्स तो है नहीं, ये आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था, ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, छोटे मोटे ऐसे फॉर्मूले भी पूछ लेता है कभी कभी आपसे, ठीक है। यहां पर जो चीज मुझे आपको इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो ये है कि फील कैसे करना है इन चीज को। फिजिक्स सिर्फ फील के ऊपर चलती है। अगर आपको आईआईटी जेईई में, आपको नीट में खासकर, कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो काफी ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इस बात से सॉल्व करते हैं कि भाई हाँ ये समझ में आ रहा है, ये फील आ रही है, तो इससे इस तरह से क्वेश्चन करना है। अगर वो फील ही नहीं आएगी तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। देखिए, तो अब एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि रिलेटिव मोशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर ये समझ गए तो रिलेटिव मोशन का सवाल इतना इजीली कर पाओगे आप लोग, हमेशा इतना इजीली कर पाओगे कि आप बस पेन उठाओगे आंसर निकालोगे, शायद पेन भी ना उठाना पड़े। तो देखो, रिलेटिव का मतलब होता है, ये बात समझना, कि जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन देख रहे हो ना उसको रुका हुआ मान लो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो मैं वी ए बी निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स हो गई, सिर्फ आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये अगर समझ गए ना बच्चों, तो मेरी गारंटी है कि आज आने वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको चुटकियों में तुमने उड़ाना दिया, तो नाम चेंज कर देना अपना, ठीक है। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब सिंपल इतना है कि बी को क्या करो आप, बी को आप स्टॉप कर दो, बी को आप रुका हुआ मान लो। इसका पता है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर बी रुक गया तो वो ए का मोशन कैसे होते हुए देखेगा, उसको हम बोलते हैं वी ए बी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी ए बी का मतलब है कि अगर बी रुक गया, अगर बी रुक गया मतलब इफ बी इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, इज एट रेस्ट, देन द मोशन ऑफ ए ऑब्जर्व्ड टू बी इज वी ए बी। इसका मतलब बच्चों ये है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, जब मैं सवाल करूंगा ना तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। सवाल करेंगे बस थोड़ी देर, जाओ बस इतना तो, इतनी देर पढ़ लिया तो आप थोड़ी सी और देर पढ़ लेते हैं। तो अगर बी रेस्ट पर है तो जो मोशन ए का ऑब्जर्व होगा बी को, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है, आप बी को रुका हुआ मान लो, अब ए का जो मोशन हो रहा है ना वो उसका, उसको हम वी ए बी बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं वी बी ए लिख रहा हूं तो VBA का मतलब क्या है कि मैंने किसको रोक लिया, मैंने A को अगर स्टॉप कर लिया, यानी A को मैंने रेस्ट पे रख लिया, अगर मैंने A को रोक दिया मतलब उसकी वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, जीरो कर दी। तो जो B की वेलोसिटी A को दिखेगी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, VBA। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है VB माइनस VA। समझ में आई बात, सिंपल सी, ठीक है। चलो इसी के साथ ना एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको वेक्टर में भी देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन है ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन। तो देखिए, मान लीजिए आपकी सीता की क्वेश्चन है, एक सिंपल सा, सीता जी है जो है, जो सीता है उसकी वेलोसिटी है, सीता इज मूविंग विद, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही कर पाते हैं। सीता इज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड गीता एट 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों जब मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखता हूं ना तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, ठीक है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। क्या पता मैं अभी क्वेश्चन लिखा होगा और दो चार बच्चों ने शायद आंसर भी निकाल दिए हो, ठीक है। जिन्होंने निकाल दिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाले देखिए करना क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं आपको बस लिखना है। देखो जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक अच्छी ट्रिक क्या होती है क्वेश्चन करने की, कि चुपचाप से यहाँ पर आप इसको आई कैप मान लो, इसको माइनस आई कैप, इसको जे कैप मान लो, इसको माइनस जे कैप, ये तो आपको पता ही होगा। ये कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है, इतना भी पता है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या दे रखा है उसको देखते हैं। सीता की, सीता इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी सीता ऊपर जा रही है, ये हो गया वी एस। अब वी एस क्या दे रखा है आपको, वी एस ऊपर की तरफ कितनी देखे, टू, कितना जे कैप, राइट, ये हो गया। आप इस तरह से लिख सकते हो। गीता की अगर मैं बात करता हूँ, गीता है 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट, गीता कहाँ जा रही है, वेस्ट में जा रही है, ठीक है। और वेस्ट में, वेस्ट कहाँ है सर, वेस्ट पीछे की तरफ, यानी माइनस माइनस टू आई कैप, समझ में आई बात, ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसके रिस्पेक्ट निकालना है, सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता, यानी आपको वी एस विद रिस्पेक्ट टू जी निकालना है। तो यानी क्या हो जाएगा, वी एस माइनस वी जी, वी एस माइनस वी जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप यहां फोकस करो, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, वी एस कितना है सर, वो टू जे कैप है, और ये कितना है, ये आपका माइनस ऑफ माइनस टू आई कैप हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू जे कैप प्लस टू आई कैप, राइट, ये आपका आंसर यहां तक आ गया है। लेकिन ये आंसर आपको नहीं देना एग्जाम में, बिकॉज ये आंसर तो आई कैप और जी कैप के टर्म्स में, जबकि आपको आंसर तो नॉर्थ और साउथ के टर्म्स में देना है, कुछ नहीं करना। अच्छा इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है जे, जे मतलब ये, मतलब आखिरी आंसर आपका कैसा होगा सर, आखिरी आंसर जो भी है वो जे में कितना है, जे में दो है, ठीक है, आई में कितना है, दो, पॉजिटिव आई, तो ये, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा जो इजी क्वेश्चन होता है ना, कि ये इस तरफ दो से जा रहा है, ये इस तरफ एक से जा रहा है, वो सब नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां से नेट वेलोसिटी ये निकल के आएगी, और यही क्या है बच्चों आपकी, यही है आपकी वी एस जी, कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं उसका, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी एस जी, वो हो जाएगा 2√2, ये तो निकालना आता होगा ना, 2√2, आप स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो √8 आएगा, यानी 2√2। डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, डायरेक्शन ये रही, डायरेक्शन ये कौन सी सर, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वी एस जी इज इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं करवाया कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो क्या होगा, वो सारी चीज नहीं करवा रहा हूँ, पर ये समझ में आ रहा है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, ये बच्चों नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 16 में आया है, 15 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े इजीली कर सकते हो, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपन। चलिए सबने छाप लिया होगा, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। जिनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट चीज आपको मैं ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ एक चीज को। मान लीजिए ये दो ट्रेनें हैं, ये दो ट्रेनें हैं, चलिए बनाई देते हैं आपके सामने ट्रेनें, ठीक है। मान लीजिए दो ट्रेन हैं, ठीक है। एक ट्रेन है आपकी जिसमें मान लीजिए आप बैठे हो, ठीक है, जिसमें आप बैठे हो, ठीक है, और वो इस तरफ जा रही है, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने V1 बोल दिया। एक ट्रेन है जिसमें आप बैठे हो, ठीक है, और वो इस तरफ जा रही है। दूसरी ट्रेन है, ठीक है, दूसरी ट्रेन है, ठीक है, उसमें कोई और बैठा है। मान लो आप अगर लड़के हो तो यहां सुंदर कन्या बैठी है, और अगर आप लड़की हो यहां पे तो आपके लिए कोई और प्रिंस चार्मिंग बैठा हुआ है, जिसको हम सिर्फ सोचते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ट्रेन वन हो गई, ये ट्रेन टू हो गई, मैं इसकी वेलोसिटी नहीं दे रहा आपको अभी। एक चीज ऑब्जर्व करना, कभी ना ट्रेन में तो सफर किया होगा ना यार आप लोगों ने, अगर हम ट्रेन में जब सफर करते हैं तो देखना, जब ट्रेन आप ट्रेन में बैठे हो तो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो कि भाई हाँ भाई खुला आसमान ये सब जमीन देख रहे हो, लेकिन जब यहां से कोई ट्रेन गुजरती है, अगर आप इस रास्ते ऐसे जा रहे हो और ट्रेन भी ऐसे जा रही है, तो वो धीरे 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 क्रॉस करती हुई दिखती है। तो क्या आपका जो इसमें बैठा हुआ, अगर आप यहां बैठे हुए हो, तो क्या दूसरी ट्रेन में बैठे हुए इंसान को बड़े आराम से देखोगे, अच्छा वो देखो वो खाना खा रहा है, कैसे देख सकते हो आराम से, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं सर। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब इस ट्रेन को उल्टा दौड़ाते हैं, मतलब आपकी ट्रेन ऐसी जा रही थी, आप देख रहे थे खुला आसमान जमीन देख रहे थे, अचानक ट्रेन वहां से आती है, जुक करके निकल जाती है, उसके अंदर कितने लोग बैठे हैं ये तो छोड़ो, उसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं ये तो छोड़ो, देखना वो ट्रेन के डिब्बे भी नहीं गिन पाओगे, इतनी तेज वो ट्रेन निकल जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या ये हो गया कि सर जब वो ऐसे जा रही थी मेरे मेरे साथ में जा रही थी, तब उसकी स्पीड ज्यादा थी,
या जब वो पीछे से ऐसे आ रही थी तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, ट्रेन तो सेम है, स्पीड भी सेम होगी, फर्क होता है वहां रिलेटिव मोशन का। यही सबसे बड़ा नजरिया है, यही रिलेटिव मोशन है कि सर जब वो मेरे साथ चल रही थी। देखो अब समझ जाओगे इस चीजों को। मान लो पहला वाला केस ले लिया कि वी टू इस तरफ है। सर जब मैं इस केस में वी टू वन निकालता हूं, मैं हूं ना ऑब्जर्वर यहां पे ट्रेन वन में, तो मैं टू वन लिखूंगा, मैं देख रहा हूं। तो आप क्या लिखोगे सर यहां पे? आप लिखोगे वी टू माइनस वी वन लिख दोगे, वेक्टर फॉर्म में दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो वी टू वन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कब है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जा रही हैं। क्या है? बोथ इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो आपका ये आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरे वाले केस में, अब मैं नए केस में क्या करता हूं कि इसकी वेलोसिटी को इस बार इस तरफ कर देता हूं। ये केस वन है, ये केस टू है। केस फर्स्ट में यहां पे लिख दिया मैंने, अब केस टू देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जब केस टू की मैं बात करता हूं यहां पे, तो केस टू में क्या होगा? अब आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो पीछे की तरफ आ रही है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको हमेशा वी टू वन इज इक्वल टू वी टू माइनस माइनस रुक जाओ रुक जाओ, क्या वी टू सही लिखा है क्या मैंने? नहीं सर, आपने वी टू सही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा सही? सर ये वी टू तो पीछे की तरफ है और पीछे की तरफ तो हम जनरली नेगेटिव लेके चलते हैं। हाँ यार, बात तो सही बोल दी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस वी टू हो जाएगा, माइनस माइनस वी वन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको दोनों माइनस के हो गए? तो जब मैं मैग्नेट्यूड लिखना चाहूंगा तो वी टू वन क्या हो जाएगा? वी टू प्लस वी वन। समझ रहे हो इस बात को? इस बात का मतलब क्या हो गया कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, जब दोनों बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो उस केस में आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, स्पीड की क्या बात कर रहा हूं, स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। लेकिन जब वो आपका सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सॉरी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो आपकी स्पीड घट जाती है, और जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो आपकी स्पीड जुड़ जाती है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब देखो इस कंसेप्ट को ट्रेन से हटा के मैं यहां पर दो बच्चों पे या दो इंसानों पे लगाता हूं। ठीक है, इस बात समझ में आ गई? ये बात याद रखना हमेशा, अगर मोशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो कम हो जाएगी, यानी वो घट जाएगी, और आपका जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी या जो रिलेटिव मोशन आएगा वो आपका स्पीड ज्यादा के साथ आएगा। बात समझ में आ गई? अब समझो इसका मतलब क्या है अगर मैं इसको फिजिक्स में देखूं। ठीक है, देखो मान लीजिए कि यहां पर, अब वो जो मैंने बोला था ना रुका हुआ, मान लो वाली चीज समझेंगे यहां पे। मान लीजिए यहां पर आपका कोई इंसान है, मान लीजिए वही अमन लेके चले थे, और यहां पर आपका इंसान है। ठीक है, यहां पे आप मान लो विशाल, मान लो ठीक है वही विशाल ए और बी हम पर लेके चल रहे हैं, ऑडियो वीडियो चल रहे हैं हमारे। ठीक है, मान लीजिए अमन आपका इस तरफ जा रहा है, विशाल आपका इस तरफ जा रहा है, वीवी ले लिया। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? मान लो मैं वी वी ए निकालना चाह रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वी यानी विशाल विद रिस्पेक्ट टू ए होता है। तो क्या बोला था मैंने, इसको कहां मान लो? इसको रेस्ट पे मान लो, इसको रेस्ट पे मान लो। तो जो पहले इस वाले केस में जब आप रेस्ट पे मानते हो, मतलब इसको यहां पे फिक्स कर दो, रोक दो, कहीं नहीं जाएगा तू। जब ये कहीं नहीं जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे क्या हो गई? जीरो हो गई। अगर मैंने किसी चीज को रोक दिया तो क्या हो गई? उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी इसको हटा दो। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि अगर ये रुक गया तो कितनी स्पीड दिखाई देगी इसको? इसको ये स्पीड दिखाई देगी, और ये स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? वी वी माइनस वी ए, यानी आपको विशाल, अब उसको विशाल वी वी माइनस वी ए से चलता हुआ दिखाई देगा। ये मतलब है रिलेटिव मोशन का। ठीक है, सिमिलरली अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, मान लो कल को विशाल मेरा पीछे की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे केस में मैंने अमन को क्या किया, अमन मेरा सर जा रहा था वी ए ऐसे जा रहा था, और विशाल मेरा इस तरफ आ रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इस केस में आपका निकालना चाहता हूं आपका वी वी ए, यानी किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। सर ए को क्या करो? रोक दो। अगर ए को रोक दिया तो वी ए क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब उसको विशाल किससे आता हुआ दिखाई देगा? इससे आता हुआ दिखाई देगा, और इस केस में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा? वी वी प्लस वी ए, यानी ये आपको वी ए प्लस वी वी से अपने पास आता हुआ दिखाई देगा। ये है रिलेटिव मोशन। अगर ये चीज समझ गए ना, तो मेरी गारंटी आज के बाद कोई सवाल गलत नहीं होगा रिलेटिव मोशन का। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपके, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन करने के बाद ना समझ में आ जाएगा मैं क्यों आपको बता रहा था कि सवाल से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में जितनी प्रैक्टिस कर लो ना बच्चों, उतना कम है। ठीक
ठीक है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स में तैयारी कैसे करनी है, सर फिजिक्स में डर लग रहा है, तैयारी कैसे करनी है। तो फिजिक्स का एक ही चीज है, क्लास पढ़ो, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो ढंग से पढ़ो, अपने खुद के लिखे हुए अपने हाथ के सेल्फ रिटन सेल्फ हैंड रिटन नोट्स अपने पास रखो, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज आपको याद रहती है, ठीक है। तो वो रखो अपने पास में, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद सवाल, क्लास में जो सवाल लगाए उन पर अच्छे से ध्यान दो। पहली बार अगर पढ़ रहे तो इतना इतना ध्यान दो कि आप आज तो सिर्फ समझना है मुझे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद घर पे जाके अपना होमवर्क करो, होमवर्क में जो सवाल दिए गए हैं वो करेंगे, होमवर्क भी दिया जाएगा आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लीजिए यहां पर आपका एक लड़का है जिसका नाम है आपका राम, ठीक है, और यहां पर एक लड़की है जिसका नाम है गीता, ठीक है। आप लोग वो सब मत लगाना, यहाँ रामायण नहीं पढ़ रहे हैं आपके, आप बोलो सर राम के साथ तो सीता थी, ठीक है, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो राम हो गए और गीता हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका गीता जी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रही है, ठीक है। वो जो गीता है वो राम से दूर भाग रही है, ठीक है। जो राम है, जैसा लड़कों की आदत होती है अक्सर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है आपका कुछ 10 मीटर डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेते, ज्यादा दूर करना अच्छी बात नहीं है ना, दो लोगों को ज्यादा दिन तक दूर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 मीटर के बीच में डिस्टेंस दे रखा मैंने आपको। अब मैं आपसे सवाल में ये पूछ रहा हूं कि फाइंड द, इतना अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि सर ये इसको पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा। अबे यार इसकी स्पीड ज्यादा है ना इससे, तो साफ सी बात पकड़ तो लेगा, बस कितने टाइम बाद पकड़ेगा उसका मैटर है, ठीक है। तो फाइंड द टाइम टेकन फॉर राम टू कैच गीता, ठीक है, ये टाइम निकालना है। अब देखिए इस सवाल को 2 तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल छोटा है तो दोनों तरीके ही छोटे हैं यहाँ पे, दोनों तरीकों में कोई डाउट तो नहीं होगा, ज्यादा बड़ा डाउट नहीं आएगा ये सवाल, क्योंकि छोटा है तो दोनों तरीकों में कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ता जाएगा तो आपका रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या होगा, लेकिन अगर आपको पहले वाले मेथड से करना है, जो काइनेमेटिक्स वाला मेथड होता है उससे करना है ना, तो उससे आपको लिखना तो पड़ेगा, कुछ पॉइंट पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने रिलेटिव मोशन समझ लिया जो मैं समझाने वाला हूं अभी, तो आप सिर्फ क्वेश्चन ऐसे देखोगे और आंसर निकाल दोगे, मेरी गारंटी है, अभी दिखाता हूं, ठीक है। मेथड वन, जो कन्वेंशनल मेथड होता है, जो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर कि मान लीजिए कि वो कहीं यहां पे जाके मिलते हैं, एमपी क्या हो गया आपका, मीटिंग पॉइंट हो गया, मान लीजिए वो कहीं यहां पे जाके मिलते हैं, अगर वो कहीं यहां पे जाके मिलते हैं, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, अच्छा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना गीता ने चला है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, एस जी बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल, क्या ये वो डिस्टेंस हो जाएगा जो राम ने यहां से यहां तक चला होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एस राम हो जाएगा, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से यार बच्चों आप अपना दिमाग तो लगा ही सकते हो कि सर एस आर किसके बराबर है, एस जी प्लस 10 के। तो यहां से क्या बोलूंगा सर, एस आर इज इक्वल टू एस जी प्लस 10, राइट, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। अब एस आर कितना है, एस आर क्या होगा सर, वो वी आर वेलोसिटी स्पीड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वी आर इनटू टाइम। अब जितना टाइम राम को यहां से यहां तक जाने में लगा है, क्या उतने टाइम गीता को यहां से आने में लगा होगा, क्योंकि उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम है, तो यहां पे क्या लोगे, वी जी इनटू टी प्लस 10। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे अगर वी आर, वी आर 2 है ना, सॉरी 3 है, जो वैल्यू है 3t 2 into t plus 10, इसको यहां पे लेके आएंगे तो आपका 1t is equal to 10 seconds, तो आंसर क्या आ गया आपका, 10 सेकंड आ गया। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बताए बताइए कहां मिलेंगे जाके, तो आपको sg निकालना है, अगर sg निकालना होगा तो कुछ नहीं vg into t कर दो, यानी आपका क्या आंसर हो जाएगा, 2 into 10 यानी 20 meters, यानी गीता ने 20 मीटर चले होंगे, तो राम ने कितना चला होगा, राम ने सर 20 plus 10 30 मीटर चला होगा, ये तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम करेंगे रिलेटिव मोशन से, और मेरी गारंटी है कि पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए ना, तो टाइम वेस्ट है आपका, ठीक है। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं आपका मेथड 2 से, और वो क्या है आपका, रिलेटिव मोशन मेथड से। अब देखो कैसे करेंगे रिलेटिव मोशन, समझना। देखो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, देखो आपको अगर मैं सवाल दूं और मैं बोलूं कि 2 चीजें चल रही हैं और सवाल सॉल्व करो, और वहीं पे मैं आपको सवाल दूं कि आपकी एक चीज चल रही है दूसरी रुकी हुई है, तो आपको
कौन सा प्रेफरेंस दोगे कि सवाल करने का, वही वाला सवाल करोगे ना जिसमें आपकी एक बॉडी चल रही हो दूसरी रुकी हुई हो। और रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में मैं दूसरी बॉडी को देख रहा हूँ वो बॉडी को क्या मान लेते हो आप, रुका हुआ, यानी एक ही बॉडी चलती हुई दिखाई देगी। जब एक ही बॉडी चलती हुई दिखाई दे रही है तो क्वेश्चन करना क्या है, बहुत आसान। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेथड टू में किसके रिस्पेक्ट में देखना है आपकी मर्जी, आप गीता के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो या राम के, जिसके भी रिस्पेक्ट में, चलो गीता के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। मैं क्या बोलता हूँ सर, वी जब मैं निकालता हूँ वी आर जी निकालता हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या सेम डायरेक्शन में, हाँ सर सेम डायरेक्शन में, तो वी आर माइनस वी जी हो जाएगा। ठीक है, वी आर कितना है सर, 3 - 2 यानी 1 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी आपकी। अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि किसको मैं रुका हुआ मान लूंगा, मैं गीता को रुका हुआ मान लूंगा। अगर गीता रुकी हुई मान ली मैंने, मान लो मेरी गीता यहां पे थी उसको मैंने रुका हुआ मान लिया, तो अब उसे राम किस स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी तरफ, वी आर जी से, और प्लस में आ रहा है ना आंसर, प्लस प्लस मतलब वो इस तरफ ही जा रहा है, यानी वो इसको 1 मीटर पर सेकंड से आना दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 10 मीटर है अभी भी। तो अब मुझे बताओ कि ये तो रुका हुआ है ना, इसको यहां तक अगर मिलना है तो इसको यहां तक आना पड़ेगा, इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा सर, इसके लिए डिस्टेंस कितना है 10, इसके लिए स्पीड कितनी है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आप सिंपल आंसर लिख सकते हो कि आपका टाइम इज इक्वल टू 10/1 यानी 10 सेकेंड। क्या यही आंसर आया था, क्या यही आंसर आया था, यही आंसर आया है। कितनी लाइन, मैंने आपको समझाने के लिए भले ही 2 लाइन में लिखा है पर मैं बिना पेन उठाई करूंगा, कैसे, ऐसे देखूंगा सवाल को, सर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ तो दोनों के स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 1, 3 - 2, 2 - 3 जो भी करना है, स्पीड की बात कर रहा हूं, 1। डिस्टेंस कितना सर इनके बीच में, 10। अच्छा सर एक को रुका हुआ मान लें, दूसरा आ रहा है यानी एक से आ रहा होगा, 10/1 आंसर 10। अच्छा डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए तो आपको यही करना पड़ेगा, टाइम निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप क्वेश्चन। अच्छा कोई बच्चा बोला सर आपने तो गीता को रुका हुआ मान लिया, अगर आप राम को रुका हुआ मान लेते तो भी सेम आंसर आता, कैसे, अगर मैं राम को रुका हुआ मानता, राम को रुका हुआ मानता तो राम रुक गया यहां पे, तो फर्क क्या पड़ेगा, बस उसको गीता इस बार पीछे आती हुई दिखाई देगी। क्यों पीछे आती हुई, जब आप इस बार वीजी माइनस वी आर करोगे तो वीजी कितना है, वीजी सॉरी हाँ सही है, वीजी माइनस वी आर करोगे, अब वीजी क्या है वो उस तरफ है 2, ये क्या है इस तरफ 3, यानी -1 - 1 का मतलब क्या है, वो पीछे की तरफ आ रही है यानी इस तरफ आ रही है 1। अभी भी डिस्टेंस कितना है 10 है, टाइम क्या हो जाएगा 10/1 आंसर अभी भी 10 सेकंड है। तो बच्चों किसी भी तरीके से करो, चाहे राम के रिस्पेक्ट में करो चाहे गीता के रिस्पेक्ट में करो, आंसर विल बी सेम। कितना छोटा हो गया रिलेटिव मोशन से, आपको यहाँ पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है ना, बिना पेन उठाए यहाँ पे आंसर नहीं लिख पाओगे आप, लेकिन यहाँ बिना पेन उठाए आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने अभी बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी क्या था, दोनों के पास में वेलोसिटी तो थी पर दोनों के पास में किसी के पास में भी एक्सेलरेशन नहीं था। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अब करते हैं जिसमें एक बॉडी के पास या किसी दोनों बॉडी के पास में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है दोनों को मिलने में। चलिए देखते हैं, सेम क्वेश्चन करते हैं बस थोड़ा सा फर्क करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ने वाले अपन, या कुछ ऐसा नहीं सॉल्व कर रहे कि भाई क्या कोई बहुत बड़ी तोप चीज मैंने सॉल्व कर दी, नहीं, बस उस तरीके को आपने बहुत छोटा कर दिया और समझ लिया कि कैसे इसको रिलेटिव मोशन से करना है। ठीक है, देखो रिलेटिव मोशन समझ लो क्योंकि आगे ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने मैन बोट रिवर बोट ऐसी प्रॉब्लम के नाम सुने होंगे, और रिवर बोट का सवाल 2 साल पहले नीट में आया है, आईआईटी में भी उसका सवाल आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको रिवर बोट भी रिलेटिव मोशन का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ रिलेटिव मोशन में हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो अभी सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। मान लीजिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन में आपको डेटा के हिसाब से देता हूं ताकि आपका आंसर भी अच्छा निकल के आए। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपकी यहां पे एक कार है, ठीक है, इसको कार ए बोल दिया। ठीक है, और यहां पे आपकी एक दूसरी कार है, इसको कार बी बोल दिया। ये स्टार्ट होती है आपकी बच्चों रेस्ट से स्टार्ट होती है, और इसका एक्सीलरेशन आपको दे रखा है, मैं आपको डेटा लेके देता हूं, क्वेश्चन 4 और 1। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये किसके कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, आपका वी कांस्टेंट है इसका, और वो आपको दे रखा है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों आपको दे रखा है 10 मीटर आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपसे क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन कार ए कैचेस कार बी। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है, क्या सर कार ए कार बी को कैच कर पाएगी नहीं कर पाएगी,
तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर टाइम की वैल्यू नेगेटिव निकल के आ जाए उसका मतलब नहीं कैच कर सकती, अगर टाइम की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आ जाए इसका मतलब कैच कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है इस सवाल को, इस सवाल को अपन अब वही विद रिलेटिव। अच्छा, अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन को, मान लो इस क्वेश्चन को अगर आपको काइनेमेटिक्स मेथड से करना होता है, लंबे मेथड से, तो आप क्या करते, वही चीज करते। मान लीजिए सर यहां पे कहीं जाके मिल रहे हैं, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस प्लस दिस। बहुत बड़ी क्वेश्चन बनती है, क्वालिटी क्वेश्चन बनती है, इसको सॉल्व करने में शायद ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अब रिलेटिव मोशन करेंगे। अब देखिए वही वाली बात है ना, दो बॉडी को चलता हुआ सवाल करना आसान है कि एक बॉडी को चलता हुआ सवाल, तो हम सबको पता है एक बॉडी के चलते हुए, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, सर मैं निकालना चाहूंगा बी के रिस्पेक्ट में, फिर से चलो बहुत बढ़िया। तो अब बॉडी के पास एक्सीलरेशन भी है, ये याद रखना, दोनों बॉडीज के पास में एक्सीलरेशन भी है, तो आपको रिलेटिव एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा। जो जो दे रखा है ना मोशन के नाम पे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये तीन चीज, इन तीनों चीज में अगर जो भी दे रखा है ना आपको, उन सब का आपको रिलेटिव मोशन में काउंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं वी देखता हूं, तो वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा बच्चों, वो देखो। अच्छा, क्या ये सेम डायरेक्शन में, सीधे आंसर निकालता हूं, क्या ये सेम डायरेक्शन, अच्छा ये तो सर जीरो है ना स्टार्टिंग में, तो उसमें सोचना ही नहीं है। तो वी ए बी क्या हो जाएगा आपका, जीरो माइनस टू, यानी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पता है क्या है, चलो एक डायग्राम बनाता हूं जिसका मतलब समझाते हैं। मैं अब वो कार नहीं बना रहा हूं, ए और बी बना दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने बी को रुका हुआ मान लिया, बी क्या हो गया मेरा, रुका हुआ मान लिया। अगर बी मेरा रुका हुआ है तो आपको ए की वेलोसिटी क्या दिखेगी उसे अपनी तरफ आती हुई, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दिखेगी उसे अपनी तरफ आती हुई, वो दिखेगी आपको यू ए बी दिखेगी। और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू माइनस टू है। अच्छा एक बात पर ध्यान देना, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, माइनस टू है इसका मतलब उसको वो ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यू ए बी क्या हो जाएगा, माइनस टू मीटर पर, अच्छा माइनस नहीं लिख रहा है यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन दिखाई दी, ठीक है, माइनस टू मीटर पर सेकंड, लेकिन उस तरफ। सर ये फिर मिलेंगे कैसे, अरे कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी रुको सवाल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ए ए बी क्या हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या हो जाएगा, ए का एक्सेलरेशन कितना है सर, फोर, बी का, सर ये तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो बी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं बी के एक्सेलरेशन को जीरो मान लूं, रुका हुआ है ना, रुका हुआ चीज का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, बी के एक्सेलरेशन को रुका हुआ मान लूं तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा प्लस साइन के साथ है ना, तो मतलब राइट की तरफ होगा, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बच्चों बीच का, सर डिस्टेंस है आपका 10 मीटर डिस्टेंस है, क्या 10 मीटर डिस्टेंस है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना, एस आपको दे रखा है 10, यू आपको दे रखा है माइनस टू, ए आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ए ए भी लिख लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका एस आपको 10, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको लगाना है, ठीक है। देखो जब मैं सवाल खुद सॉल्व कर रहा हूं ना, कोशिश किया करो आप भी सॉल्व करने की, सिर्फ मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप भी कोशिश किया करो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने की, सॉल्व करने की, क्योंकि कैलकुलेशन भी इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा साथ साथ में कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए तो मैं क्या बोलूंगा सर, एस क्या हो गया, एस ए बी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, एस यू और ये यू मान लेते हैं इसको क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो अब क्या लिखो सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा सर, इसको यहां से यहां आना है ना, तो एस पॉजिटिव हुआ, ठीक है। देखो जब अगर मीटिंग करनी है तो इसको ऐसे आना पड़ेगा, एस पॉजिटिव ले हो गए, एस क्या हो गया 10, यू यू कितना हो गया बच्चों, वो हो गया माइनस टू, माइनस टू इंटू टी, टी तो निकालना है, प्लस हाफ, ए कितना है बच्चों, ए प्लस फोर, यानी फोर इंटू टी स्क्वायर। जब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो टू से टू कैंसिल होगा टू, अब इतनी कैलकुलेशन तो मैं आपसे थोड़ी बहुत तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना बच्चों। अच्छा टू से कैंसिल आउट करोगे तो टू से गया ये, टू गया ये, और टू फाइव जा 10, राइट। तो जब मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ तो आपका टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस फाइव विल बी योर इक्वेशन। क्या आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जब भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, या तो आप उनको तोड़ के कर सको, ठीक है, फैक्टराइजेशन से। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे तो सबसे अच्छा मेथड मैं क्या मानता हूं, आप श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू है, आप जानते हो, तो माइनस बी यानी टू प्लस माइनस, बंद करना है क्या, बंद करना है क्या। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी आप सबने पढ़ रखा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, कोई बॉडी को आप या तो ऊपर फेंकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करते हो, या तो कोई बॉडी है उसको आप ऊपर फेंकते हो या नीचे फेंकते हो या यहाँ से ड्रॉप कर देते हो। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मान लेते हो, या आप क्या करते हो ग्राउंड से उसको ऊपर की तरफ फेंकते हो,
ठीक है, वो ऊपर जाती है फिर लौट के आती है। इसके सारे फॉर्मूले भी आपको पता होंगे, ठीक है। अब इसमें भी आप रिलेटिव मोशन लगा सकते हो। रिलेटिव मोशन लगाने के लिए क्या कंसेप्ट याद रखना है आपको? ये कंसेप्ट याद रखना है कि आपका दो बॉडीज होनी चाहिए और दो बॉडीज के बीच में आपको बस वी ए माइनस वी बी और ये सब करना है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा कि टू बॉडीज, अगर ये सवाल सवाल के थ्रू समझेंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते हैं, तो देखिए मैंने बोला कि मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग है। क्या है आपकी एक बिल्डिंग है? बिल्डिंग है कह लीजिए आपकी कुछ 50 मीटर की एक बिल्डिंग है, ठीक है। और मैंने क्या किया है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया है। अच्छा, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ये ए मान लीजिए, ड्रॉप का मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? जीरो। और मैंने क्या किया, यहां से मैंने एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, मान लीजिए ये बॉडी बी है और इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका आपका, और ये आपका वी बी यानी इनिशियल वेलोसिटी ही दी गई होगी आपको सवाल में। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने इसको फेंका है ऊपर की तरफ, वो है बच्चों आपकी वो मान लीजिए आपकी है कुछ 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये मान लिया आपने, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड आपको इसकी दे रखी है। अब समझो जब हम सवाल करेंगे तो हम सवाल में क्या करेंगे, सर जब भी कोई बॉडी, ये याद रखना, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब भी कोई बॉडी होती है, ये तो सबको पता होगा, जब भी कोई बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में होती है तो बच्चों उसका एक्सीलरेशन क्या लेके चलते हैं अपन? माइनस जी। जहां पे जी क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए क्या लेके चलते हैं? माइनस जी। जी की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है आपकी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी आप उसको 10 भी लेके चल सकते हो। यानी चाहे बी बॉडी हो चाहे ए बॉडी हो, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा आपका? माइनस जी, क्योंकि दोनों किस में है? मोशन अंडर ग्रेविटी में, यानी हवा में है। अब सुनो मैं काम करता हूं, पहले ए के लिए सब कुछ लिखता हूं, ठीक है। ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? ए के लिए सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप किया गया, ठीक है। अच्छा, ए के एक्सेलरेशन क्या है? सर ए का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है सर? वो तो जीरो है, सॉरी माइनस जी है, आई एम सॉरी। ए का एक्सेलरेशन कितना है आपका? माइनस जी है, राइट। और अगर मैंने यहां पर ही ओरिजिन ले रखा है, यहां पर ओरिजिन ले रखा है, ठीक है, तो ये आपका माइनस जी हो गया, ठीक है, ये बात ही समझ आ गई। और अगर मैंने बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं तो बी के लिए आपका यू बी क्या हो जाएगा? देखो जो यहां पे मैं चीज बताने वाला हूं, भले ही सवाल करवा रहा हूं लेकिन सवाल के थ्रू आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। यहां पे यू बी क्या हो जाएगा? सर यू बी ऊपर की तरफ है, कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा सर ए बी क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे बॉडी नीचे जा रही हो, दोनों पे एक्सेलरेशन तो सेम डायरेक्शन लगेगा ना आपका, माइनस जी हो जाएगा। अब इस सवाल को अगर आपको बोला होता कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच वी मीट, साफ सी बात है ना, ये नीचे गिर रही होगी तो यहां पर कहीं आएगी, ये ऊपर जा रही होगी तो दोनों कहीं ना कहीं आपका मीट जरूर करेंगे, दोनों कहीं ना कहीं मीट जरूर करेंगे। जहां वो मीट करेंगे, जहां वो मीट करेंगे, वो मीटिंग पॉइंट जो है आपको उसका टाइम निकालना है कि कब मीट करेंगे, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, अब बात यह है कि सर इस बार तो दोनों के पास में एक्सेलरेशन है तो मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पहली बात तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं, अब रिलेटिव वेलोसिटी आप किसके टर्म्स में निकालना चाहोगे? या तो ए का बी के टर्म्स में या बी का ए के टर्म्स में, आपकी मर्जी है, आप जिस टर्म्स में निकालना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ए रुका हुआ था पहले से तो एक टर्म्स में निकाल लेते हैं इस बार, तो वी बी ए निकालता हूं। तो वी बी ए क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है? ऊपर की तरफ है आपका 2.5 मीटर पर सेकंड, माइनस ए कितना है? वो तो जीरो है, यानी वी बी ए कितना हो जाएगा बच्चों? 2.5 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है वी बी ए का? सर इसका मतलब है कि ए के रेस्ट पर निकाल रहे हैं, यानी ए आपका किस पे आ जाएगा? ए बच्चों आपका रेस्ट पे आ जाएगा। अगर ए रेस्ट पे आ गया, अब सुनो, अगर ए रेस्ट पे आ गया मतलब ए तो कहीं जा नहीं रहा, तो उसको बी कैसे आता हुआ दिखाई देगा? उसको बी अपनी तरफ इनिशियल वेलोसिटी 2.5 से आता हुआ दिखाई देगा। अभी रुक जाओ, अब बात करते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन की, और बच्चों यही है सबसे बड़ी तोप की चीज। अगर ये चीज समझ गए ना तो एक 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहां से, वो सब समझ में आ जाएगा आपसे, ठीक है। रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो आप किसी के टर्म्स निकालो, ए के टर्म्स निकाल रहे हैं तो ए बी ए निकाला, अब समझो माइनस जी, सर इसका मतलब क्या होता है? ए ए माइनस ए बी, सॉरी ए बी माइनस ए, सर ये भी माइनस जी है और ये भी माइनस जी है, तो नेक्स्ट एक्सटेंड क्या आ जाएगा? जीरो। सोच रहे हो कितना बेहतरीन सवाल हो गया? अगर इसको आप एक्चुअल मेथड से करने जाते ना, फिर क्या करते सर? डिस्प्लेसमेंट ये कितना गिर गया, ये डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर आ गया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। फिर सोच रहे हो कितना टाइम वेस्ट होगा सॉल्व करने में, क्योंकि दोनों में आपको हाफ ए टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहां पे बच्चों जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो याद रखना ये बात,
तो सर इसका एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, तो इसको क्या इसको ये क्या ये अपनी तरफ क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई देगा? अगर दूसरी बॉडी का एक्सीलरेशन जीरो हो गया, मैं बोला सर दूसरी बॉडी का कोई एक्सीलरेशन नहीं है मेरे रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो मेरी तरफ कैसे आ रहा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा होगा, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो टाइम निकालने में तो यार बच्चों का खेल है ना, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से केस में तो टी अपॉन एस अपॉन वी लिख दो खत्म। एस मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो 5 है, 5/2.5 आंसर हो जाएगा 2 सेकंड, खत्म खत्म। तो एक चीज मुझे यहां से सीखने को मिली कि रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर मैं बात करूंगा यहां से सीखने को क्या मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों सीखने को मिलती है। अगर मैं नोट पॉइंट यहां ही बता दूं, यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यहां समझाया है कि आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी वो क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एम्स में, आईआईटी में, नीट में ये आपके एजर्शन रीजन की तरह कई बार क्वेश्चन आए हैं कि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, दो बॉडी का जो मोशन हो रहा है अगर वो मोशन अंडर ग्रेविटी में है तो उनका रिलेटिव मोशन में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। क्या यहां से अगर मैं दूसरी लाइन समझना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रिलेटिव मोशन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर यही चीज मैं बोल रहा हूं तो क्या उसकी जो उसको मैं यूनिफॉर्म मोशन बोल सकता हूं? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, देखो इस बात को मैं अगर बोल रहा हूं पूरी लाइन में, अगर आप सुन के भी लिख सकते हो उसको, रिलेटिव मोशन अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी या रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जब भी आपके सामने ये यूनिफॉर्म मोशन शब्द आए ना, समझ जाना कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है आपकी? कॉन्स्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट आते हैं। ये तो मैंने कहा ना, यहां से 5 सवाल क्लियर करवाए मैंने आपको, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरी बात ये रिलेटिव एक्सीलरेशन ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। आगे रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब एफ नेट जीरो। तो देख रहे हो कितने सवाल बन सकते हैं यहां से, तो एक सवाल से इतने सारे डाउट क्लियर हो गए और एक क्वेश्चन की वजह से समझने में ज्यादा हमको आसान था। सो आई होप कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिस नहीं कर सकते कुछ भी ऐसी चीज, रिलेटिव मोशन आपका टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कंफ्यूजन भी इसमें सबसे ज्यादा होता है, मतलब काइनामेटिक्स के 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं, उनमें से एक बड़ा टॉपिक बहुत ही है और बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से, बच्चे स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को। पर स्किप मत करो बच्चों, ये अगर स्किप कर दिया तो आपने ये मान लो अपने एग्जाम के एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, आपने एग्जाम का एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, क्योंकि बच्चों यहां से क्वेश्चन आएगा और इससे इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि आप उस टाइम को दूसरे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं एग्जाम में क्या आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो सारे क्वेश्चन उस टाइम फ्रेम में कर सकते हो, क्योंकि आपको बच्चों ओएमआर भी भरनी है, ओएमआर भरने में कम से कम 15-20 मिनट जाते हैं बच्चों के, ठीक है, और वो भी गलती से गलत हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? रिलेटिव मोशन। बाकी तो सिलेबस में है आपके, आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आते हैं इस पे, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। तो आई होप कि रिलेटिव मोशन का इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये रिलेटिव मोशन का बच्चों फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम रिलेटिव मोशन को 2D में पढ़ते हैं और 2D में बहुत तरह की प्रॉब्लम आपकी बनती हैं। जो प्रॉब्लम्स बनती हैं 2D में वो जनरली होती हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू कि हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, हवा चल रही है, या हम छाता लेके जा रहे हैं और बारिश हो रही है, या हमको नदी क्रॉस करनी है, इस तरह के सवाल बनते हैं, प्रोजेक्टाइल के भी सवाल बनते हैं। लेकिन जनरली वो थोड़े से हार्ड के सवाल होते हैं, नीट में उस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, पर नीट में इनमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और वो रिवर बोट है। और मुझे पता है कि आपको रिवर बोट में इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने का कि मुझे पता है कि आपको रिवर बोट में बहुत प्रॉब्लम है। तो वो आपका रिलेटिव मोशन का सेकंड पार्ट है, उसको हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, ठीक है।